चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसी के साथ हर राजनीतिक दल अपनी जीत के इरादे लिए मैदान में आ चुकी है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हम आपके लिए हर एक सीट का पूरा लेखा जोखा बताने वाले हैं, वो भी 5 मिनट के भीतर। तो आज हम बात कर रहे हैं पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट के बारे में। पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो ये दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से एक है। ये सीट सामान्य श्रेणी की है। इस सीट के अंदर शहादरा जिले और दक्षिणी पूर्वी दिल्ली जिले के कुछ हिस्से आते हैं। 2008 में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बाद से इस क्षेत्र के अंदर दिल्ली की कोंडली, पटपड़गंज, लक्ष्मीनगर, विश्वासनगर, कृष्णानगर, गांधीनगर, शहादरा, चंगपुरा विधानसभा के इलाके आते हैं। यहाँ की साक्षरता दर 77.9% है। पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट 1966 में अस्तित्व में आई। यहाँ पर पहला चुनाव 1967 में हुआ। भारतीय जनसंघ के हरदयाल देवगन ने जीत हासिल की। इस लोकसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों का ही दबदबा रहा है। दोनों पार्टियों के बीच यहाँ पर कांटे की टक्कर रही है। अगर इस सीट के चुनावी नतीजों पर नजर डालें तो 1967 में भारतीय जनसंघ के हरदयाल देवगन को जीत मिली। 1971 के चुनाव में कांग्रेस के हरिकृष्ण लाल भगत ने अपना परचम लहराया। वहीं 1977 में जनता पार्टी के उम्मीदवार किशोर लाल को इस सीट पर जीत मिली। 1980 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के हरिकृष्ण लाल भगत को फिर से इस लोकसभा सीट पर जीत मिली। 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के हरिकृष्ण लाल भगत ने अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा और 1979 के चुनाव में हरिकृष्ण लाल भगत को फिर से जीत मिली। लेकिन 1991 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी के बैकुंठ लाल शर्मा ने इस सीट पर जीत हासिल की और फिर 1996 में दोबारा बीजेपी के बैकुंठ लाल शर्मा यहां के सांसद बने और 1998 में दोबारा लाल बिहारी तिवारी ने अपना परचम लहराया। 1999 के चुनाव में भी बीजेपी के लाल बिहारी तिवारी का ही परचम लहराया, लेकिन 2004 के लोकसभा चुनाव में यहाँ उलटफेर हुआ और कांग्रेस के संदीप दीक्षित ने यहाँ से जीत दर्ज की। फिर से 2010 में दोबारा कांग्रेस के संदीप दीक्षित यहाँ से जीते, लेकिन 2014 में मोदी लहर में यहाँ फिर उलटफेर हुआ और बीजेपी के महेश गिरी को जीत मिली। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहाँ से गौतम गंभीर को मैदान में उतारा और उन्होंने जीत भी दर्ज की। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के गौतम गंभीर ने कांग्रेस के अरविंदर सिंह लवली को हराया था। गंभीर को कुल 6,95,109 वोट मिले थे तो लवली को 3,04,718 वोट मिले थे, यानी 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी गंभीर ने। फिलहाल इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर यहाँ के सांसद हैं। हालांकि उन्होंने राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया है। वे 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। 2019 के आंकड़ों के मुताबिक पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट में कुल 18,29,578 वोटर्स हैं। इसमें से 10,23,000 पुरुष और 8,06,000 महिला वोटर्स रही। अगर इस 2024 लोकसभा चुनाव की बात करें तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन है। गठबंधन के लिहाज से पूर्वी दिल्ली सीट आम आदमी पार्टी के खाते में है। आम आदमी पार्टी ने यहाँ कुलदीप कुमार को अपने कैंडिडेट के तौर पर उतारा है। वहीं बीजेपी ने पूर्वी दिल्ली सीट से हर्ष मल्होत्रा को टिकट दिया है क्योंकि गौतम गंभीर ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। तो इस बार पूर्वी दिल्ली सीट पर सीधा मुकाबला है बीजेपी के हर्ष मल्होत्रा और आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार के बीच। अब दोनों उम्मीदवारों की ओर से अपनी अपनी दलीलें दी जा रही हैं, लेकिन वोटर्स ने अपना मन बना लिया है। 4 जून 2024 को ये साफ हो जाएगा कि पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट के इलाके में वोटर्स ने अपना भरोसा आखिर किस पर जताया है।